दोस्तों अगर आप भी भारत को सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ने वाली टीम मानते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के साथ दूसरे टेस्ट मैच में बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है, जिसमें दो बल्लेबाजों ने अर्धशतक लगाए हैं और शानदार रिकॉर्ड भी हासिल किया है। तो चलिए आपको बताते हैं क्या है रिकॉर्ड, लेकिन उससे पहले अजिंक्य रहाणे और पुजारा में से कौन है बेहतरीन बल्लेबाज, अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के साथ टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम को 113 रनों की करारी शिकस्त दी है, जिसके बाद भारतीय टीम दूसरा मुकाबला खेल रही है जिसमें विराट कोहली टीम का हिस्सा नहीं थे, तो वहीं उनकी जगह टीम की कप्तानी केएल राहुल कर रहे हैं और साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने संन्यास लिया है, जिसके बाद साउथ अफ्रीका टीम और ज्यादा कमजोर दिख रही है। तो वहीं भारतीय टीम के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया और टीम में विराट कोहली की जगह हनुमा विहारी को शामिल किया। तो वहीं साउथ अफ्रीका की टीम ने काइली वर्नी को क्विंटन डिकॉक की जगह और ऑलिवर को मल्डर की जगह टीम में शामिल किया है। तो वहीं भारतीय टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो बल्लेबाजों में सिर्फ केएल राहुल ने सर्वाधिक 50 रन और रविचंद्रन अश्विन ने 46 रन बनाए और साथ ही जसप्रीत बुमराह ने शानदार तेजतर्रार 14 रन की छोटी सी पारी खेली और इन सब की बदौलत भारतीय टीम 202 रन पर सिमट गई। और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए साउथ अफ्रीका की टीम उतरी तो साउथ अफ्रीका ने 229 रन बना दिए और 27 रन की लीड भी हासिल की, जिसमें सबसे बड़ा योगदान पीटरसन के 62 रन और टेम्बू बबूमा के 51 रन शामिल है और इन्हें ऑल आउट करने में सबसे बड़ा योगदान शार्दुल ठाकुर का है, जिन्होंने 7 विकेट हासिल किए और उन्होंने इसी के साथ एक रिकॉर्ड भी हासिल किया, जिसमें वो साउथ अफ्रीका के इस मैदान पर 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज हैं। तो वहीं बल्लेबाजी करने के लिए भारतीय टीम उतरी तो 35 ओवर के अंत तक भारतीय टीम ने 155 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना दिए हैं, जिसमें राहुल ने 8, मयंक ने 23 और रहाणे ने 58 रन बनाए और आउट हो गए और चेतेश्वर पुजारा 53 रन बनाकर गए और बल्लेबाजी करने के लिए हनुमा विहारी क्रीज पर आए हैं। और भारतीय टीम ने एक रिकॉर्ड भी बना दिया है, जिसमें अजिंक्य रहाणे ने अपने आलोचकों को करारा तमाचा दिया है और शानदार अर्धशतकीय पारी खेली है और साथ ही साथ चेतेश्वर पुजारा ने भी कई पारियों के बाद शानदार अर्धशतक जड़ा है और पुजारा का विदेशी सरजमी पर सबसे तेज अर्धशतक जड़ा और दोनों ही खिलाड़ी ने मिलकर 111 रन की शानदार साझेदारी की। दोस्तों हाल ही में खेले गए साउथ अफ्रीका के सेंचुरियन ग्राउंड पर पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया और भारतीय टीम ने पहली पारी में 327 रन बनाए। तो वहीं इसका पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम मात्र 197 रन बनाकर ढेर हो गई। वहीं इसके बाद भारतीय टीम के पास 130 रन की बेहतरीन लीड थी। तो वहीं इसके बाद दूसरी पारी में भारतीय टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो भारतीय टीम ने ठीक ठाक सा प्रदर्शन करते हुए 174 रन बनाए। तो वहीं भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को 305 रनों का लक्ष्य दिया, जिसका पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम मात्र 191 रन बनाकर बुरी तरीके से ढेर हो गई और इसी के साथ भारतीय टीम ने इस मैच को 113 रनों से जीता। और इस मैच में हीरो रहे मोहम्मद शमी और केएल राहुल, क्योंकि मोहम्मद शमी ने पहली पारी में 5 तो वहीं दूसरी पारी में 3 विकेट लेकर कुल 8 विकेट लिए और तो और केएल राहुल ने अपनी पहली पारी में अपना 7वां शतक जड़कर 123 रन और दूसरी पारी में 23 रन बनाए, जिसकी बदौलत टीम ने इतनी बड़ी जीत हासिल की और राहुल को इस मैच में मैन ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया और भारतीय साउथ अफ्रीका के सेंचुरियन ग्राउंड पर यह पहली जीत है। दोस्तों अगले मैच में क्या ये दोनों बल्लेबाज टीम में खेलेंगे या नहीं, अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।